हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। साप्ताहिक राशिफल ये आने वाला हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। मेरे चैनल पर अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो सो ये जो वीडियोस है ये बेस्ड हैं आपकी मून राशि के ऊपर, या आप इसे अपने लगन या नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिकॉज जो भी आप अपनी राशि को सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं एज़ पर टैरो कार्ड्स, उसके अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग आपको आकर कहते हैं कि हमसे रीडिंग ले लो, हम इजी वास्तु के चैनल से हैं, वो सब स्कैमर्स हैं। मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कांटेक्ट नंबर दिया होता है वहीं पर आप जाया करें, स्कैमर्स से आप बचें प्लीज़, ओके। एंड उसके अलावा आपकी राशि के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प्स मैं हमेशा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप अपने राशि के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं अकॉर्डिंगली। रीडिंग कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आई लव इट। सो ओके, अब हम वन बाय वन हमारी राशि को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। एंड जितनी भी रेमेडीज़ रिलेटेड आप वीडियोज़ देखना चाहते हो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रिस्टल रेमेडीज़, मंत्रा रेमेडीज़, जॉब मिलने वाली रेमेडीज़, तो जितनी हम मदद कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू, मैंने वो वीडियोस बना के रखे हुए हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि अब आपकी राशि के बारे में क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं। हेलो एरीज, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया हुआ है दैट इज़ द मून का कार्ड, ये कहा जाता है। यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में मेंटल स्ट्रेस आप लोग का बढ़ता हुआ दिख रहा है मेष राशि वालों। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ रही है, या आपको रात में नींद नहीं आ रही है, या आपका जो ओपिनियन है वो दूसरे लोगों से मैच नहीं हो रहा है, एंड आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस वजह से। तो आपका मन का चंचल हो जाना, इरिटेट हो जाना, मूड स्विंग्स, आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे लोगों से मैच ना होना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इस हफ्ते की शुरुआत में। सिर्फ ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही दिख रहा है। देन सिक्स ऑफ स्टाफ के कार्ड्स है जो ये बताता है कि आपके आने वाले समय में ये एनर्जीज इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। एंड आपके स्पेशली अगर आप एब्रॉड जाना चाहते हो, ट्रैवल है, करियर ग्रोथ की बात करूँ, सक्सेस की बात करूँ, तो वो ज़रूर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर आप कार्ड को देखेंगे तो कार्ड में सीधा सीधा दिख रहा है विक्ट्री, कि फाइनली जितनी भी स्ट्रगल्स थी, या कोई आपके अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री नहीं कर रहे थे, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर अब कन्विंसिंग पावर दिख रही हैं, आपके फेवर में चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो एंड ऑफ द कार्ड आया है दैट इज़ सन ऑफ कप्स, ये अगेन एक ऐसा कार्ड है जो इंडिकेट करता है आपके लिए सबसे पहली चीज़, अगर रिलेशनशिप्स में कोई दिक्कतें चल रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो सॉर्ट आउट होकर उसमें हीलिंग आती हुई दिख रही, इम्प्रूवमेंट है। एंड अगर आपका क्रश या आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे, कोई भी ऐसी वजह थी, बात थी, तो वो कम्युनिकेशन होता हुआ देखा जाएगा, इम्प्रूवमेंट रहेगी। हो सकता है आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर ले, बात करने आ जाए, कोई भी चीज़ पॉसिबल है। एंड ऑल्सो उसके अलावा ना, जो आप समझ लो जो आपकी एनर्जी आपको बहुत डिप्लीटेड लो लग रही थी, वो बहुत बढ़िया तरीके से मिड वीक के बाद में बेहतर होने वाला है। मिड वीक के बाद में आपके लिए लकी है, शुभ है, जो भी आपके जीवन में काम आप साकार करना चाहते हो वो होता हुआ दिखता है। अब देखो पूरा 100% हो जाए ज़रूरी नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट, वन स्टेप अहेड, कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी आती हुई ज़रूर दिख रही है, बिकॉज दोनों एक मूवमेंट के कारण, दोनों में देखो हॉर्सेस के सिंबलिज्म आए हैं। हॉर्सेस की एनर्जी ऐसी होती है क्विक, फास्ट, कंप्लीटिंग, एंड जो कार्य थे उसको बखूबी निभाते हैं, तो ये एक अच्छी एनर्जीज हैं।
सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. विशिंग यू ऑल द गुड लक. सारे मेष राशि वाले मिड वीक से इस प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी एक्सपीरियंस करें. अच्छी एफर्मेशंस बोलिएगा एंड अपने काम पे ध्यान दीजिए. स्टार्टिंग के जो स्विंग्स हैं उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, मूड स्विंग्स को. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. हेलो टॉरस, कैसे हैं आप लोग? सो टॉरस, क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स आपको इस हफ्ते? क्या मैसेजेस है टॉरस राशि वालों के लिए? ओके, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कॉइन्स. ठीक है, यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है टॉरस, देखो टू ऑफ कप्स, लव, रोमांस, हीलिंग, गुड रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप बढ़िया, घूमने फिरने का माहौल बन सकता है, अच्छी एनर्जीज दिख रही है आपके पार्टनर के साथ में, फैमिली के साथ में. अब देखो सिंगल भी हो ना तो भी मैं कहूँगी कि सिंगल में भी बड़े मौज में हो, आप खुश हो, अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हो. अब बड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं दिख रहे हो आप मेरे को. टॉरस राशि वाले अपने आप में भाई खुश है, फैमिली के साथ खुश है, पार्टनर के साथ खुश है, सिंगल है तो भाई सिंगल ही खुश है. किसी पे क्रश है, किसी से दोस्ती है, चाहते हो कि उससे बात आगे बढ़े, ज़रूर आगे बढ़ सकती है. इस हफ्ते में करियर के अकॉर्डिंग भी बहुत ही बढ़िया समय रहेगा. यहाँ पर आप अपनी मेहनत से बड़ा अच्छा काम करने वाले हो, अच्छी परफॉर्मेंस दोगे आपके जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, जो भी कह लो, बहुत ही बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस रहने वाली है. अच्छी सक्सेस आपके लिए आती हुई दिख रही है. बढ़िया समय माना जाएगा करियर के अकॉर्डिंग. प्रमोशन के योग हैं एंड आपकी कंपनी में प्रमोशन होने ही नहीं वाला है इस हफ्ते. सो नो, उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट एक ऐसा जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिले आपके काम का, बहुत अच्छे उस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ है तो करियर में अच्छा. अब देखो सन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ऑफ द वीक आते आते ना चीज़ें बड़ी स्पीड में होंगी आपके लिए. ठीक है, समझ लो एंड ऑफ द वीक कैसे ख़त्म होगा आपको पता भी नहीं चलने वाला. लाइक एवरीथिंग विल बी वेरी क्विक. ठीक है, एंड थोड़ा सा हेक्टिक एंड चैलेंजिंग आपको लग सकता है कि यार ये भी हो गया, वो भी हो गया. शॉर्ट टर्म ट्रैवल के भी चांसेस हैं, बट ये वीक एक्चुअली ना मैं कहूँगी कि बहुत हद तक पॉजिटिव तो है ही है एंड बहुत क्विक एनर्जीज लाता हुआ दिख रहा है. लाइक झटपट अपना 8-9 घंटे काम में लगा दिए, भाई 1-2 घंटा फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो गया, फिर बैठे हैं, फिर ये काम है, फिर वो दोस्त आ गया, फिर ये हो रहा है. मतलब बहुत सारे आपकी टू डू लिस्ट ना भरी हुई मुझे दिख रही है. मेरे को नहीं लगता आपके पास खाली बैठने का टाइम होगा, या आपको लोनली लगेगा, या आपको यू नो कोई परेशानी महसूस होगी भगवान की कृपा से. ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मेरे को इस हफ्ते में. तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छे पोटेंशियल के साथ है. अब आप इसको कहाँ चैनलाइज करना चाहते हो आपके ऊपर है, बट अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, काम के रूप में बहुत अच्छा इसका पावर दिखाई देता है इस हफ्ते के लिए. ओके टॉरस, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. चलते अगली राशि की ओर जो है जेमिनी. जेमिनी राशि वालों की देख लेते क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके जेमिनीज, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है ये माना जाता है एक ऐसा कार्ड, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहा जाता है. ये कार्ड आपको इस हफ्ते पावर लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा मन की, काम की, और अपने आप को आप स्थिर और स्टेबल महसूस करोगे हफ्ते की शुरुआत में. सो ये थोड़ा सा यू नो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यू नो कहते हैं ना कि अगर आपके जीवन में अंधकार है, अंधेरा है, तो दिया आपको अपने जीवन में खुद ही लगाना पड़ेगा. वेट मत करना कि कोई और आपके लिए दिया लेकर आएगा और आपके जीवन में रोशनी रोशनी कर देगा. तो ये अवेयरनेस अगर आपके अंदर आ गई कि खुद को ही आपको खुश और ब्राइट और फोकस रखने के लिए सिर्फ आप ही खुद काफ़ी हो, सिचुएशन और लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है, तो
बार 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 वो एनालिसिस आपको करना होगा। विद दैट यहाँ पर आगे द सेवन ऑफ कॉइन्स के कार्ड आए हैं, जो इंडिकेट करता है कि आपका कहीं ना कहीं मन है कि आप जो करंट जॉब में हो उस जॉब से हटकर कुछ नया ट्राई करें, कुछ नए रास्ते पर चले, कुछ नया एक्सप्लोर करें और जीवन में ये बदलाव लेकर आए। ज़रूर आपकी अगर ऐसी सोच चल रही है तो आप आगे बढ़िए, आपको अच्छा माना जाएगा, अच्छी सक्सेस भी मिलेगी। बट आइए, प्लानिंग स्टेज है अभी, ठीक है। ये मैं नहीं कहूँगी कि आपने सोचा और हो गया, ऑफकोर्स ये प्लानिंग का बीज अभी आप डाल रहे हो, इस पर काम कर रहे हो, सोच विचार चल रहे हैं, अपने समय से होगा जब होना है। पर जिस सोच विचार की आपकी मन में चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक सही पाथ या एक सही कॉलिंग आपकी आत्मा की दिख रही है। द सिक्स ऑफ कॉइन्स के कार्ड है, थोड़ा सा खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं वीक के एंड में, तो थोड़ा संभल के खर्चे कीजिएगा, इनकम एक्सपेंसेस को बैलेंस करते हुए चलिएगा तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ये ध्यान आपने देना है इस हफ्ते, ठीक है। अदरवाइज़ कोई पैसे की ज़रूरत अगर आपको पड़े तो पैसा कहीं ना कहीं से हेल्प आउट करने के लिए आप तक पहुँचेगा, किसी की मदद के रूप में। लोन आपको मिल सकता है या लोन आप लेना चाहते हो, वॉट एवर, कोई भी इस प्रकार की हेल्प, फाइनेंशियल गेन आपको चाहिए हो तो वो मिलता हुआ दिखता है इस हफ्ते में, उस प्रकार से भी अच्छा है। सो देखो, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और नेचर में जाइएगा, नेचर में ज़रूर मिथुन राशि वाले इस हफ्ते आप जाइए, कनेक्ट कीजिए अपने आप को वाटर बॉडी से, समुद्र से, पेड़ों से, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। नेचर में जाना, शांति से बैठना, नेचर आपको हील करेगा एंड आपको कुछ भी सोचना करना नहीं है, जस्ट गो एंड सिट एंड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश एंड फ्रेश आप फील करोगे। बहुत सारे ब्लॉकेजेस एंड स्टक एनर्जीज नेचुरली आपकी रिलीज हो जाएंगी, ठीक है जेमिनीज। तो ये थी ऑल ओवर वाइब्रेशंस फॉर दिस वीक, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, कैसे हैं आप लोग? कैंसर्स कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, कैंसर्स देखो, डॉटर ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहली चीज़, हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक डिज़ायर्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे, यू नो, कुछ सीखना है, कुछ करना है, कुछ बदलाव लेके आना है। कुछ भी अगर आपका नया पढ़ने, सीखने, कोर्स करने का मन हो रहा है, अपने स्किल्स बढ़ाने का मन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िएगा। क्रिएटिव एबिलिटी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, आपका ज़्यादा क्रिएटिव होने का मन हो सकता है, नेचर में जाने का मन हो सकता है। अगर लव रिलेशनशिप में यू नो आपकी अट्रैक्शन बढ़ सकती है, इमोशनल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, इमोशनल मतलब हैप्पी इमोशंस, ओके। एंड आपका नेचर में जाने का भी मन होगा, एंड जो भी आपके यू नो हम कहते हैं ना कि जो भी आपके डेली रूटीन के टास्क है, जो भी आपका काम है, वो आप बढ़िया करने वाले हो, कोई मुझे टेंशन नहीं दिख रही है। एंड मैं कहूँगी अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हो कि यू नो ये कब होगा, वो कब आएगा, तो अभी देखो बहुत ही बेबी स्टेप्स चल रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में वो बात आपकी आगे बढ़ेगी, लेकिन वो जो आपका काम है रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक एनर्जीज है, लेकिन देखो ये कार्ड जो होता है ना, इसकी जो एनर्जी आप समझ लो ऐसी होती है कि ये बस अभी आइडिया आया है, ये बस अभी इस काम की शुरुआत हुई है, उस काम के रिज़ल्ट आने को टाइम है, लेकिन हम उस रास्ते पर चल चुके हैं या हमने उस काम की शुरुआत कर ली है या भैया हमें आइडिया आ गया है, ठीक है। बाकी आगे तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है, ये एक ऐसा कार्ड है कि आपने अगर आपके जॉब में हो, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, अगर आपको लगता है कि कोई पॉलिटिक्स है आपके आसपास, यू नो आपको बार बार नीचा दिखाया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है एंड आपके काम में अड़चन आ जाती है, तो ये आपने कोशिश करनी है। देखो लोगों को तो नहीं बदला जा सकता ना, उनकी सोच है, उनकी अपनी पैटर्न्स है, उनके अपने संस्कार है और आपके अलग संस्कार है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। ये प्रार्थना और ये सोच आप रखिए कि आई एम ऑलवेज़ प्रोटेक्टेड, आई एम ऑलवेज़ सेफ,
जो काम मुझे करना है वो मैं अपना बेस्ट करूँगा या करूँगी, उसके आगे दूसरे की जो भी सोच है, इंटेंशन है, वो मेरे यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। आप चाहो तो सेलेनाइट, SELENITE सेलेनाइट क्रिस्टल रखो, या तो ब्लैक टर्मरिन क्रिस्टल रखो अपने पास में, अगर आपको लगता है बार बार कोई आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी उन लोगों को बोल के, लड़ के, उस बारे में सोच के अपनी एनर्जी डिप्लीट करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपकी एनर्जी लॉस होगी। तो इसलिए इस कार्ड को थोड़ा सा कहा जाता है कि भाई पंगों में मत पड़ना, गिव अप कर देना, लड़ना वड़ना मत, जो भी प्रॉब्लम मैटर लोगों के साथ हो रहा है उस पर गिव अप कर देना, छोड़ दो, मतलब नहीं है अपनी एनर्जी डाल के। कुछ लोग नहीं बदलेंगे और हमारा काम भी नहीं है उनको बदलना, हमारा काम है अपनी राह पर चलना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, बस अपना काम करते चले जाना, ठीक है कैंसर्स। तो ये मैसेजेस आपके लिए कुछ स्पेशल हाईलाइट हुए हैं फॉर दिस वीक, ये एनर्जीज चलेंगी। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच लियोस, हेलो। सो देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके लियोस, हफ्ते की शुरुआत में दी एट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है दैट यू नो आप कोई प्रॉब्लम में स्टक हो, बहुत सी चीज़ों को लेके हैवी महसूस कर रहे हो, पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं मे बी आपके देखने के नज़रिए पर भी डिपेंड करती हैं। देखो जो प्रॉब्लम को आप चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, उस पर परिवर्तन लाइए, काम कीजिए, बेहतर हो जाएगा। जो प्रॉब्लम को आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपका कंट्रोल नहीं है ना, आप ऑलरेडी अपना बेस्ट दे चुके हो, फिर उसकी क्या चिंता करनी, फिर वो सरेंडर कर दो ऊपर वाले पे, जो होगा जब होगा तब देखा जाएगा। एंड ये भरोसा रखिए कि ऊपर वाले आपके साथ हैं, आप पे कृपा करेंगे, आपके काम बनेंगे सही समय पे, बट फिर वो सरेंडर मोड करना ही पड़ेगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ विद दैट द सन ऑफ कॉइन्स के कार्ड्स है यहाँ पर। ये कार्ड क्या सिखा रहा है आपको, ये कार्ड सिखा रहा है कि मिड वीक से बैक टू आपकी पावर आते हुए दिख रही है, आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं। जो अभी तक आप सिर्फ एक नेगेटिव, यू नो, नेगेटिव थिंकिंग पे अटक गए थे कि ये हो गया तो वो हो गया तो ये वर्कआउट नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी, पॉजिटिव होंगी और स्टेबिलिटी आएगी आपके काम में भी और आपके अंतर मन में भी, ठीक है। स्थिर महसूस करोगे और लाइफ को आप एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखोगे, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग करोगे, ठीक है, दूर की सोच रख के चलोगे। अब छोटे छोटे, जब ना कहते हैं कि जब इंसान एक लंबा गोल बना लेता है 5 साल के बाद, 1 साल के बाद मुझे यहाँ आना है, फिर उस जर्नी में जितने मर्जी डिस्ट्रैक्शन उसको बीच में, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका गोल सेट है, वो वहीं अपना लक्ष्य साध के चलेगा। तो वो बड़ा ज़रूरी होगा आपके लिए, अपना लक्ष्य आप पक्का करें। उस बीच अब कोई साथ दे रहा है, कोई साथ छोड़ रहा है, नो कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हो रही है, कुछ नहीं हो रही हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। दिस शोज़ के एंड ऑफ द वीक में थोड़े रेस्ट की ज़रूरत होगी, माइनर हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं या जनरली आपको थकावट, टायर्डनेस एंड मेंटली यू नो स्ट्रेस्ड आउट फील हो सकता है, तो थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी होगा। शांति से काम लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपकी बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ रेस्ट मांग रही है, रिकवरी का टाइम मांग रही है, सो गिव इट, वो अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक गए हो या हार मान ली, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है। ओवरलोड मत कीजिएगा काम का, ये बड़ा ज़रूरी है। जितने भी लोग कोई मेजर इवेंट का वेट कर रहे हैं, लाइक जॉब मिलना या कोई काम पेपर वर्क का हो जाना, मिड वीक में सबसे अच्छा टाइम है करने के लिए या होने के लिए। बाकी स्टार्ट और एंड में इतना कुछ पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, कोई बिग इवेंट हो नॉर्मल रहेगा, बट मिड वीक में सबसे ज़्यादा चांसेस है। ओके लियोस, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते हैं हफ्ता कैसा रहेगा वर्गो राशि वालों के लिए।
ओके वर्गोस द नाइन ऑफ कॉइन्स. सबसे पहला कार्ड आया है आपके हार्डवर्क का, आपकी मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे. उसी के साथ में तो फोर ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, जो ये दोनों कार्ड इंडिकेट करते हैं सक्सेस, प्रॉपर्टी परचेज, कार परचेज, या इन जनरली आपकी जो हार्डवर्क आप कर रहे हो उसका अच्छा रिजल्ट मिलना, उसका अच्छा फल मिलना. कहते हैं ना, हमने बीज बोया, मेहनत की, बड़ी मेहनत की, अब समय है उसका फल लेने की. तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में, तो आप समझ लीजिए कि आपके करियर में इस हफ्ते में अच्छी ग्रोथ, पॉजिटिविटी, गुड टाइम्स देखा जाएगा, आपके लिए अच्छा माना जाएगा. उसी के साथ साथ में आपके घर परिवार में भी सुख शांति बनी हुई दिखती है, पॉजिटिविटी दिख रही है, हेल्प होती हुई दिख रही है, वो सारे पैटर्न में भी सुख यहाँ पर मिलेगा आपको. तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ से, पर्सनल लाइफ का थोड़ा मैं अभी रुक के बताती हूँ, लेकिन मोस्टली फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी. और आपकी कोई ख़ास इच्छा भी पूरी हो सकती है इस हफ्ते. एग्जैक्टली वो इवेंट हो जाए ये नहीं, बट हाँ उस इच्छा में आपको प्रोग्रेस देखने मिलेगी. तो वो एक तो कार्ड है. बाकी देखो, पर्सनल लाइफ पर डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लाइफ, आप किस प्रकार की पर्सनल लाइफ कंसिडर कर रहे हो, लव रिलेशनशिप वाली भैया, फैमिली वाली, यू नो किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हो. तो फैमिली वाली पर्सनल लाइफ बढ़िया है, लव रिलेशनशिप में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव एंड ऑफ द वीक में देखे जा सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो एंड ऑफ द वीक में थोड़ा ध्यान देना होगा. बाकी जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं या रिसेंटली कोई ब्रेकअप से गुजरे हैं, वहाँ पर रिकन्सिलेशन नहीं दिख रही है. वो ऐसा समय दिखा रहा है कि येस, ये बाय डेस्टिनी एंड होना लिखा था, एंड हुआ है. एंड थोड़ा सा आप फिर से सैड, अपसेट, मूड स्विंग्स, पेन से उस गुजर सकते हो. और ये मेरे को जो दिख रहा है, ये मोस्टली ड्यू टू लव रिलेशनशिप्स की वजह से देखा जा रहा है. बट जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, उन लोग के लिए कार्ड एप्लीकेबल नहीं है. सो डोंट वरी माय डियर वर्गोस, डोंट वरी. सो मैं दोनों एंगल से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. बट इन जनरल अब जो ये कार्ड है, इस कार्ड का क्या मीनिंग है हाईलाइट्स पॉइंट्स में, वो ये है कि कुछ आपके जीवन के टॉक्सिक लोग या टॉक्सिक सिचुएशंस एंड होंगी, एंड कुछ पैटर्न जो आपने प्लान किए थे वो शायद वर्कआउट ना हो फॉर योर हाईएस्ट गुड. सो डोंट वरी विद दैट. ओके, वो जितना हो सके समझना कि अगर कोई चैप्टर जीवन में क्लोज होता है तो भगवान फिर दूसरा चैप्टर भी खोलता है. कहते हैं ना, एक दरवाजे बंद हो तो 100 और खुलते हैं. वो इंसान को तुरंत 100 खुलते हुए नहीं दिखते हैं, टाइम लगता है. लेकिन यस, अपॉर्चुनिटीज एक बंद होंगी तो दूसरी आती ज़रूर है. ठीक है वर्कर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. हेलो लिब्रास, तो जान लेते ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. ओके, ठीक है लिब्रास, देखो सबसे पहला जो कार्ड आया है दी मैजिशियन का कार्ड है. इसको द अल्केमिस्ट यहाँ पे लिखा है, बट द मैजिशियन का कार्ड है. ये बता रहा है दैट यू नो कि आप कोई प्रोजेक्ट पे बहुत काम कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो. उसमें आपको अपने समय से जो भी आपकी मेहनत चल रही है, जो भी आप रास्ते पर चल रहे हो, आपको उसमें रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे. हाँ, अगर आपको हफ्ते की शुरुआत में कोई छोटा मोटा आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो तो हफ्ते की शुरुआत में उसका पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखता है. उसके बाद आगे कैसे कार्ड्स जाए ना, तो टू ऑफ सोर्ड्स एंड द एट ऑफ कप्स, ये दो कार्ड्स बताते हैं ऑफ कन्फ्यूजन एंड मूड स्विंग्स ऑफ लेटिंग गो. मतलब ये है कि मिड वीक लिब्रास, इस हफ्ते मिड वीक के बाद में आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि यार हम कुछ बातों को लेके कन्फ्यूज्ड है, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं बट हमें समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना चाहिए. यहाँ तक क्लैरिटी है, बट बीच में सडनली आप डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो. अब वो ज़रूरी नहीं कि आपके काम में डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कोई रिलेशनशिप इशू, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई ना कोई बात की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए दिखते हैं. एंड उस वजह से एंड ऑफ द वीक तक भी उसकी एनर्जी अटकी हुई दिखती है. ऐसा लगता है जैसे कि यू नो आप ऐसे रहोगे
कि यार सब कुछ है लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा, अब मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अब मुझे किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है, तो लिब्रास थोड़ा सा अपने यू नो एक जोन में जाते हुए दिखते हैं मिड वीक से। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हैं तो यहाँ पर ये दिखता है कि उस रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से आप थोड़े से यू नो डिस्टर्ब रहेंगे एंड आपका मन करेगा कि यार मुझे अभी कनेक्ट नहीं करना है, किसी को बोलना नहीं है। तो यहाँ पर ना अपने इमोशंस का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा लिब्रास। ये सीधा सीधा आप लोगों के लिए मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको ओवरकम करके ध्यान अपने काम पे ज़्यादा दे रहे हो, अपनी मेहनत पढ़ाई पर दे रहे हो, तो बहुत अच्छा, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन ज़रा सा कहते हैं ना कि ज़रा सा आप ढीले पड़े और इमोशंस भारी पड़ गए तो फिर वही है कि आपको फिर यू नो वापस से कम बैक करने में थोड़ा समय लगेगा। बिकॉज़ ये कन्फ्यूजन कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग और ओवर इमोशनल हो जाना कई बार इंसान को बड़ा सा दिमागी ना डिस्टर्ब करके रख देता है, उसको समझ नहीं आता भाई करना ये भी, बट यू नो फिर एनर्जी लो हो जाती है, चिंता पड़ जाती है। देखना कोई ऐसी दिक्कत या ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी चिंता ज़्यादा मत करना, जो कंट्रोल में है उसको सॉल्व कर लेना। बट कहीं ना कहीं जस्ट ट्राई योर बेस्ट कि आप अपने आप को बिज़ी रखो तो द बेस्ट होगा इस वीक में, ये ध्यान रखना लिब्रास। ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस है फॉर दिस वीक, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एंड यू नो मैं कहूँगी कोई पास्ट की बात अगर आपको सता रही है, सो इट्स बेटर टू मूव ऑन। इस हफ्ते अगर आप जितना पास के बारे में सोचोगे उतना आपका समय ही बर्बाद होगा और आपके बहुत सारे टैलेंट यू नो स्टक हो जाएंगे, देखा जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिब्रास, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। स्कॉर्पियंस, हफ्ते की शुरुआत में ही यू नो द एस ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है, न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा इमोशनल फ्लो दिख रहा है। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन की बात करूँ, पॉजिटिविटी की बात करूँ, तो वो हफ्ते की शुरुआत में ही होता हुआ दिखता है, ये देखा जाएगा। उसी के साथ साथ में कुछ क्रिएटिव न्यू आइडियाज़, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू एनर्जीज भी आपके लिए देखी जाएंगी। एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यू नो मिड वीक में यहाँ पर स्कॉर्पियंस थोड़ा सा स्टक हो सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि आप अपना बैलेंस बना के रखें, चीज़ों को इस प्रकार से देखें दैट यू नो कि यू नो कि सब कुछ कई बार यू नो एकदम से हमारी आंखों में परफेक्ट तो नहीं हो सकता, बट इन रियलिटी स्पिरिचुअल से देखें तो परफेक्ट ही होता है, बट हमें लगता नहीं यार हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो सही नहीं है, ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। तो ट्राई टू कीप अ बैलेंस अपने थॉट्स और इमोशंस के बीच में, काम और रिलेशनशिप्स के बीच में बैलेंस थोड़ा बनाए रखना तो अच्छा माना जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि वाले बहुत बार उनके मन में आएगा कि उनको लगेगा कि यार मेरे साथ कुछ तो अनफेयर हो रहा है, ये मेरे साथ सही नहीं है, ये मैं डिज़र्व नहीं करता, आई एम नॉट हैप्पी इन दिस, ठीक है। तो जहाँ आपको लगता है आपको बोलना चाहिए किसी इंसान को कि यार तुम ना अनफेयर कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है या कुछ भी है, सो टेक अ स्टैंड। ये हो सकता है आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो, आप जो हक आपका है वो आपको ना मिल रहा हो, तो बहुत सारे पैरामीटर्स में ये हो सकता है, बट टेक इट ईजी। लेकिन अपनी बातों को दबा के रखना भी कोई यू नो ज़रूरी नहीं है, आप उसको एक अच्छे वे से एक्सप्रेस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट, तो अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ में यहाँ पर कार्ड आया है द शाह ऑफ स्टाफ्स का, इसका मतलब होता है ना द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो ट्रेडिशनल टैरो में मीनिंग होता है, ये आपको कहीं ना कहीं सिखाने आया द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी एंड पावर। सो देखो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस हफ्ते की शुरुआत और एंड में कार्ड्स अच्छे हैं, पावर है, पोजिशन है, करियर सक्सेस है, रिलेशनशिप हार्मनी है, गुड लक है, ब्लेसिंग्स है, अच्छा है, जॉब मिलने के लिए यस है, बिजनेस ग्रोथ के लिए यस है, उस प्रकार से सभी रूपों में ब्लेसिंग्स एक बनी हुई दिखती है। सिर्फ मिड वीक होगा
जहाँ पर आपको अपने बोलने के तरीके पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। अपनी हक की बात करो, लड़ो, जैसे भी समझ आता है करो, लेकिन हाँ, कहते ना कि अपने शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा स्कॉर्पियंस आपके लिए। बाकी वीक में अच्छा शुरुआत थी भी, शुरुआत के कार्ड्स भी अच्छे हैं, एंड के भी अच्छे हैं, तो अच्छी पॉजिटिविटी देखी जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप स्कॉर्पियंस से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सजिटेरियस, सो देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सजिटेरियस, सबसे पहला जो कार्ड आया है द सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, देखो आपके आसपास शायद बहुत ड्रामा चले हफ्ते की शुरुआत में, लोग आपको टारगेट कर सकते हैं, आपके अपनों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आसपास, यू नो शायद आपके ही थॉट्स आपको बहुत परेशान भी करे, इट्स पॉसिबल। लाइक आसपास का ना बहुत सारा ड्रामा, इश्यूज़ एंड ये सारी चीज़ें आपको इरिटेट कर सकती है, बट अगर आप इमेज को ध्यान से देखें तो लड़की ने कहीं ना कहीं अपने आसपास ना एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, वो अपने ध्यान के ऊपर है, अपने कर्म और अपनी सोच के ऊपर वो फोकस कर रही है, आसपास की क्या एनर्जी है वो ध्यान नहीं दे रही, वो अपनी आत्मा अपने सोल से कनेक्ट करके जो उसको सही लग रहा है वो करने की वो कोशिश कर रही है। आपने भी यही करना है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम हो गिव अप नहीं करना है धनुराशि वालों। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है इस हफ्ते के लिए, चाहे आप कोई जॉब में हो, जॉब समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दें, अचानक से छोड़ दें, ये कर दें वो कर दें, सडन डिसीजंस मत लेना इस हफ्ते, सब्र से शांति से प्लान करके फिर कुछ करना। किसी ने आसपास कुछ पोक कर दिया, कुछ कह दिया, फटाफट उसका रिएक्शन दे दिया, फटाफट इतना रिएक्ट मत करना, आपको ही वो चीज़ यू नो आपको इरिटेट करेगी। आगे बढ़ते सेकंड कार्ड की ओर, जो कार्ड आया है नो दैट इज़ द कार्ड ऑफ फोर ऑफ कॉइन्स, ये बताता है कि मनी को लेकर पोजेसिव रहेंगे सजिटेरियस। पोजेसिव इन द सेंस मतलब पैसा है लेकिन आपको लगेगा कि क्या करे क्या ना करे, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसों का प्रेशर है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी रखना। इनकम सोर्स तो 100% आएगा आपकी राशि के अनुसार। आगे तो थ्री ऑफ स्टाफ्स के कार्ड है जो बताता है अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एब्रॉड जाना, ट्रैवल करना, ये सारे योग तो हैं। सो देखो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की बहुत ह्यूज प्रॉब्लम आती हुई दिखती है पैसे को लेकर के धनुराशि वालों, कहीं ना कहीं से आपका रास्ता तो खुल जाएगा। बात यह है कि पैसे को लेके आप कितना ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, पैसे को लेके आप कितना पॉजिटिव हो, जितना भी भगवान दे रहा है उसमें आप मैनेज कैसे कर रहे हो और उसमें आप यू नो खुश कितने हो। क्योंकि क्या होता है कई बार भगवान देता जा रहा है देता जा रहा है देता जा रहा है पैसा और इंसान कमियाँ ही निकाल रहा है, कंप्लेंट ही कर रहा है, खुशी नहीं है, फिर यूनिवर्स भी कहता है भाई तुम क्या करें नो, फिर वो एनर्जी से आप दूर हो जाते हो। तो अपनी एनर्जी अलाइंड रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि धन लाभ तो होगा, धन लाभ आपके जीवन में आता हुआ दिखता है, उसके लिए पोटेंशियल अच्छा है। रिलेशनशिप रिलेटेड मुझे ज़्यादा कार्ड्स आप लोग के नहीं दिखे इस हफ़्ते। इस हफ़्ते का फोकस आपका खुद, आपके खुद का पैसा, आपके खुद का करियर, आपका खुद का आगे की आने वाली जर्नी, उस पर बना हुआ दिख रहा है। लव एंगल मेरे को इस हफ़्ते कुछ खास उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा किसी प्रकार से हाईलाइट नहीं हुआ है। ओके धनुराशि वालों, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन्स, सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, क्या गाइडेंस है। ओके,
सबसे पहला कार्ड आया है मकर राशि आप लोगों के लिए, द फोर ऑफ कप्स, उसके बाद में द हर्मिट, और उसके बाद में द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। मकर राशि, देखो ये चारों, ये तीनों कार्ड्स के जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसी चीज़ बताते हैं कि नो इंसान का मन सच में दुखी है, सच में वो हर्ट हुआ है, सच में वो अकेलापन महसूस कर रहा है, एंड उसका मन शायद कुछ चीज़ें जो उसके जीवन में वो होते हुए भी मन लग नहीं रहा है, मन में वो खुशी नहीं है, मन में वो बचपन जैसे हम कहते हैं ना, हंसी मुस्कुराहट कंटेंटमेंट नहीं है, कोई ना कोई उसकी शिकायत चल रही ऊपर वाले से कि शायद मुझे ये पैसा क्यों नहीं दिया, वो रिश्ता क्यों नहीं दिया, वो इंसान मेरे जीवन में क्यों नहीं रहा। बहुत सारे पहलू पे आप शायद किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से मन्नत मांग रहे हो, ख्वाहिश कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, एंड वो चीज़ आपकी नहीं हो रही है, तो ये चीज़ आपको बहुत सता रही है। हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखाया हो, तो ये हफ्ते ना आपको इमोशनली बहुत ध्यान देना होगा, इमोशनली यू नो अपने आप को खुद ही आपको रिकवर करना होगा, दूसरों का इंतज़ार मत करना। और इमोशंस आपके ऐसे रहेंगे कि नो कि बार बार आपको काम से, आपकी ड्यूटी से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ विद दैट, एक और चीज़ का आपने ध्यान देना है कि आपने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लेना है। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड जैसे ये पर्सन है, ये दुआ कर रहा है और उसको ऊपर से भगवान की कृपा भी आ रही है उसके ऊपर, यू नो उसको आंसर्स मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है। तो अपने इस प्रकार से, यू नो कहते हैं ना कि जब हमारी नहीं चल पाती, जब हम जो चाहते वो नहीं हुआ, तो समर्पण ही करना पड़ता ऊपर वाले को। हम कौन सा कुछ लेकर आए थे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा सच है। दुनिया मायावी ही है, पर हम इंसान हैं, इंसान को अपने जीवन चलाने के लिए कंपेनियन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, अकेला नहीं रह सकता, उसकी ज़रूरतें हैं। पर उसी प्रकार से जीवन में जब उतार चढ़ाव आए, तो यही एक सहारा है जो ज़िंदगी को राइट ट्रैक पे लाया जा सकता है। कोशिश करें कि आप गलत आदतों में ना पड़े, और अपने ये थ्री ऑफ सॉर्ट्स का भी जो कार्ड है, यहाँ पर लड़की बैठ के अपने दिल को हील कर रही है, ये प्रार्थना कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं से नो इसके पास शायद सब कुछ है, लेकिन इसका ये इसने मुंह फेरा हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है इतने सब धन लाभ का, इतने सब चीज़ों का मैं अकेले क्या करूँ, मेरे जीवन में जिसका मुझे इंतज़ार है या जो मैं चाहता हूँ, वट एवर इट इज़, वो तो मुझे मिला नहीं, तो मैं खुशी कैसे मनाऊँ। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे हो सकता है मकर राशि वालों, पार्टनर, लव लाइफ, फैमिली, पैसा, खुद की नो जीवन में, बहुत सारे हिस्सों में ये एप्लीकेबल है। और जो भी हो, मेरे लिए आपको एक ही एडवाइस दूंगी इस हफ़्ते के लिए, इस हफ़्ते को नेगेटिव पॉजिटिव में मत गिनिए, इस हफ़्ते को इस प्रकार गिनिए कि नो जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें, जो नहीं आपके हिसाब से हो रहा है उसे नो समर्पण कर दे ऊपर वाले को, यही सत्य है, यही सही रूप से आपको शक्ति दे पाएंगे, यही गाइडेंस दे पाएंगे। उसके अलावा अपनी किस्मत, अपनी ज़िंदगी को जितना मर्ज़ी आप कोस लें, उससे कुछ पॉजिटिव नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही और ज़्यादा नेगेटिव होते जाएंगे। तो जितना अच्छा देख सकते हैं, जितना ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, वही आपकी ज़िंदगी बदलने की चाबी बनेगा। ओके कैप्रिकॉर्न्स, आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम टैरो कार्ड्स। ओके एक्वेरियस, सबसे पहला कार्ड आया है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन ऑफ स्टाफ्स, विच इज़ द सन ऑफ वॉन्ड्स भी कहा जाता है इसे, एंड विद दैट द एस ऑफ कॉइन्स। देखो सबसे पहली चीज़ यू नो एक्वेरियस, वीक बहुत पावरफुल है। इस हफ्ते पहला ध्यान, पहला आपका गोल रहेगा आपका करियर, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका खुद का सिचुएशंस को हैंडल करने का नज़रिया,
आपका खुद का नज़रिया काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगा एक्वेरियस। आप खूब मेहनत करने वाले हैं, खूब अपनी एनर्जी अच्छी रखेंगे, हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही ना, तो आप उस अपॉर्चुनिटी के पीछे जोर लगा के भाग रहे हो कि भैया हमें तो दरवाज़ा हर खटखटा रहे हो, हर अपॉर्चुनिटी का वेट करो कि भाई हमें ये मिल जाए। एंड कहीं ना कहीं से देखो, लोग आपको थोड़ा रूड कंसिडर कर सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि यार तो बहुत मीन हो गया, ये बहुत बदल गया है। कोई बात नहीं, लेकिन समय के साथ साथ में ना अपनी किस्मत को बदलने के लिए खुद को भी कई बार बदलना पड़ता है। सो इट्स ओके, दुनिया क्या कह रही है क्या सोच रही है इसकी परवाह मत करो। जो आपकी आत्मा है ना, जो आपको बार बार मैसेजेस दे रही है, जो आपको रास्ता दिखा रही है, जो एक आपको वे दिखा रही है, उसको फॉलो करो। वो इस वक्त में आपको इम्पॉसिबल लग सकता है, बिकॉज़ क्या है, ये दोनों कार्ड्स ना एक बेबी स्टेप्स कार्ड्स कहे जाते हैं। ये कार्ड्स कहते हैं कि हाँ भाई, आइडिया आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बट जस्ट द बिगिनिंग स्टेप। ओके, इसका फाइनल रिजल्ट अभी तक किसी ने देखा नहीं है, बट ये यूनिवर्स के मामले में आएगा ज़रूर। तो इंसान थोड़ा डगमगा जाता है, भाई ये मैं लूँ कि नहीं लूँ, इस रास्ते पे चलूँ या ना चलूँ, बट डिवाइन आपको जब मौका देगा, कुदरत जब आपके जीवन में कोई भी अवसर अपॉर्चुनिटी लेके आती है, तो वो बढ़िया ही लाती है। खैर, उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी अपनी जीवन की रूटीन चला रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं कहूँगी जॉब ऑलरेडी है, भैया घर बार चल रहा है, ठीक है। देखो, कार्ड्स न्यूट्रल हैं, कोई बड़ा पंगा आता हुआ नहीं दिखता है। जीवन आपका इस हफ्ते का बढ़िया चलने वाला है, नॉर्मल रहेगा, हेल्थ अच्छी है, काम अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी रहेगी, कोई एग्ज़ाम है, कुछ भी इंटरव्यू है, वो अच्छा ही जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हर प्रकार से तीनों कार्ड शुभ और पॉजिटिव आए। पहले तो सीधी सीधी बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे को ज़्यादा वेट कराना, मिस्ट्री क्रिएट करना पसंद नहीं है। अब देखो, रिलेशनशिप में अगर बातचीत नहीं हो रही है ना, तो हफ्ते के एंड में हो सकती है, बट क्या है, आपको और आप दोनों पार्टनर को गुस्सा और ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, तब ये सेटलमेंट होगी। क्योंकि हो सकता है आपको भी शायद जल्दी गुस्सा है, जल्दी चिड़चिड़ापन हो, स्टार्ट से लेके मिड तक, तो उस पे काम करना। बाकी रिलेशनशिप के आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, जो भी कह लो, रिश्ते सब बढ़िया चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिखती है, न्यू प्रकार से कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिखती है, ठीक है। आपके भाई बहनों से, हर परिवार के मेम्बर से एक सुखद न्यूट्रल एनर्जीज बनी हुई दिख रही हैं। ओके एक्वेरियस, सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके पाइसेस, देखो हफ्ते की शुरुआत में तो बढ़िया कार्ड आ गया है। ये कार्ड कहता है कि भैया बिजनेस पार्टनरशिप है, करियर ग्रोथ है, एग्ज़ाम्स हैं, वॉट एवर प्लानिंग आप कर रहे हो, 10/10 है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट का जो कार्ड है, ये कहता है कि भैया मेहनत खूब है, रिज़ल्ट आने में या वो चीज़ें जो आप आगे बढ़ रहे हो वो आसान हो ज़रूरी नहीं, थोड़े चैलेंजेस डिफ़िकल्टी आएंगे और समय लगेगा उसको सॉल्व होने में या उसका रिज़ल्ट आने में, अभी भी स्ट्रगलिंग फेज बना हुआ दिखता है। लाइक आपको लग सकता है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, पेशेंस रखना होगा, रिजल्ट्स आपको जल्दी देखने नहीं मिलेंगे, समय लगेगा। और इस बात की फ्यूचर की चिंता आपको मिड वीक में सता सकती है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जो मिड वीक में आपके ही थॉट्स आपको ओवरथिंकिंग, ये आपको फ्यूचर के बारे में कहेंगे ये हो गया तो, ये वर्कआउट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मेहनत करते जाओ अपनी, फ्यूचर की चिंता मत करो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी डिप्लीट करेंगे। एंड देखो, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत दिक्कत इस हफ्ते रह सकती है मिड वीक के बाद में। अभी सभी पाइसेस की लव रिलेशनशिप में दिक्कत हो जाए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से 10-15% पाइसेस राशि वालों की लव लाइफ में इस हफ्ते कोई अनबन, कोई इशू हो सकता है, बट उस इशू को सॉल्व करना बड़ा सहज रूप से मैं कहूँगी, उस कोई बात हो जाए, कोई बात बिगड़ जाए, तो एक दूसरे को स्पेस दे देना, समय देना, अपना अपना दिमाग और मन शांत जब हो जाए तब शांति से उस पर बात करना, चाहे हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, इट्स ओके। बट जब बात करो रिस्पेक्टफुली बात करना, ये नहीं कि इरिटेट होके, गुस्सा होके वही ताने मार रहे हो, वही ब्लेम कर रहे हो, तो पूरा हफ्ता 2 हफ्ते ऐसे ही आपके बिगड़े हुए जाएंगे, कुछ सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। सो इट्स बेटर दैट आप दोनों स्पेस दो। उसके अलावा जो भी आपको चिंता सताएगी मिड वीक में, जो भी, एक चीज़ का ध्यान रखना कि सोचना क्या ये चीज़ सच्ची में हो गई है
या ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि वो करंट सिचुएशन का तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो अगर वो चीज़ हो चुकी है तो उसको लेट गो कर दो, भुला देना। वो चीज़ आप डर रहे हो कि अगर ये बुरा मेरे साथ हो गया तो क्या होगा, समझ लेना मन का भय है। प्रभु का नाम ले लेना, माइंड चेंज कर लीजिएगा, माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, स्ट्रेंथ अपनी बना लेना, पॉजिटिव हो जाना उसमें और डूबते मत चले जाना उस नेगेटिविटी में, तो वो चीज़ आपको ही उस एक दो दिन के लिए तकलीफ़ देगी। तो इस टाइम पर जितना आप ना अपने आप को, या आपको जब नोटिस होगा ना यार ये तो फ्यूचर का थॉट है, अभी तो हुआ का है, ठीक है, तो वो चीज़ को, फ्यूचर की चिंता आपने अवॉइड करनी है इस हफ्ते, बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान देना पाइसेस, ठीक है। बाकी देखो हेल्थ में, हाँ हेल्थ का भी ध्यान देना ज़रूरी, क्योंकि क्या इतना स्ट्रेस लोगे ये करोगे तो हेल्थ इश्यूज़ पे इफ़ेक्ट होता हुआ दिखता है, एंड फॉर विच आपको स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड रहना ज़रूरी है। अपनी मेंटल फिजिकल इमोशनल हेल्थ का इस हफ्ते ध्यान दें। बाकी हफ्ता देखो मेरे हिसाब से एवरेज है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, एवरेज में आएगा। हफ्ते की शुरुआत में ही सबसे पावरफुल कार्ड है, उसके अलावा ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कार्ड है, एंड ये टैरो की भाषा में थोड़ा सा स्लो मूविंग या स्ट्रगलिंग कार्ड माना जाता है। तो ये मेरे को आपका मिड वीक से वीक स्लो ओके सा, ठीक है ये काम हो गया वो काम हो गया भैया ठीक है वैसा दिख रहा है। कुछ न्यू थिंग्स मिड और एंड में होती हुई नहीं दिखती है, कुछ नया अगर होना है तो वो स्टार्ट ऑफ द वीक में होगा। ओके पाइसेस, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।